आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली NCR और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद यमुना खतरे के निशान को पार कर गया है। हैरत की बात यह है कि यह बारिश अभी रुकी नहीं है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक भारी बारिश का अलर्ट कई जगहों पर जारी किया गया है, जिससे बचने की आवश्यकता है और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। दिल्ली NCR के साथ ही पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। हरियाणा में हो रही लगातार बारिश से यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 1,59,000 क्यूसेक पानी लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अगले कुछ घंटों में और भी बढ़ने वाला है, जिसके चलते यमुना के आसपास के निचले इलाके के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। IMD ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कड़कने के साथ आंधी और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश और भूस्खलन से भी पहाड़ी इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली प्रशासन ने यमुना नदी में जल स्तर बढ़कर 205.22 मीटर पहुँचने पर शुक्रवार को अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश होने के कारण यमुना में जल स्तर बढ़ने के खतरे के निशान 205.33 मीटर के बेहद करीब पहुंच गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अलग अलग इलाकों में 13 नौकाओं को तैनात किया है और 21 अन्य को तैयार रखा है। दिल्ली पुलिस और पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन ने राजधानी में यमुना के मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों से स्थान खाली कराना शुरू कर दिया है। इससे फरीदाबाद और पलवल के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। यमुना किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। जिन गांव की आबादी में पानी घुसने की आशंका है, उन ग्रामीणों को अरुआ, नंगला, मोटुका और छाइसा के सरकारी स्कूल में ठहरा दिया जाएगा। सामान्य स्थिति होने तक उन्हें यहीं पर रखा जाएगा। यहीं उनके सोने खाने की व्यवस्था की जाएगी। आइए वो तस्वीर भी हम आपके साथ साझा करते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये तस्वीर है हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़ने के कारण राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसका नजारा आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की वजह से प्राकृतिक आपदा से तबाही मची हुई है। किन्नौर, लाहौल, स्पीति, चंबा, शिमला जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का कहर लगातार जारी है। ऐसे ही मंडी में कार पार्किंग के शेड ढह जाने से नीचे खड़ी कारें दब गई। वहीं कई जगहों पर पत्थर गिरने से सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। लाहौल स्पीति में बादल फटने और भारी बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन होने से 144 पर्यटक फंस गए हैं। भूस्खलन की वजह से मंडी में सड़क पर पत्थर गिरने से चंडीगढ़ मनाली हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। इससे जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिमाचल प्रदेश में किस कदर सिरमौर में लैंडस्लाइड हुआ, हाईवे पर ब्लॉक कर दिया गया, वो तस्वीर भी आप देखिए। दरार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत में 1 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। IMD ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी वर्षा होने और आकाश से बिजली गिरने की आशंका व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में कम दबाव के कारण रात भर हुई भारी बारिश ने कोलकाता और राज्य के कुछ दक्षिणी जिलों में सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह तक कोलकाता में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।